हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम लोग, अगर मैं बताऊँ तो पूरी की पूरी जितनी भी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन है उसको करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी की सारी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी। ठीक है, मैं डेली लाइव क्लासेज वहाँ पर लेती हूँ, यानी अगर आप देखेंगे तो डेली सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक हिंदू एनालिसिस होती है, ठीक है आपकी, और शाम को 9:10 से 10:10 देखेंगे तो हिंदू एनालिसिस का पार्ट 2 होता है, जिसमें प्रिलिम्स प्लस मेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। एंड जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि हिंदू एनालिसिस जब भी आप देख रहे हैं तो अपनी करंट को कोशिश करिए स्टैटिक से कवर करके पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टैटिक के साथ में हमेशा अगर आप करंट पढ़ेंगे तो आपका दोनों चीज़ें कवर होती रहेंगी। ठीक है, एंड आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी समरीज भी देख सकते हैं, जो सुबह आपको ज्योग्राफी की मिल जाएगी एंड शाम को आपको हिस्ट्री की समरीज मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। तो अगर आप चाहें तो मेरी प्रोफाइल को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी डेली बेसिस पे हम लोग आंसर राइटिंग एंड जो आपकी मैप प्रैक्टिसेस होती हैं विच आर रिलेवेंट फॉर द एग्जाम्स, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये तो आपको पता ही है मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे उतना है ना मेरे को और भी मोटिवेट मिलेगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आ सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। बेसिकली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ अ न्यूज़ टुडे, ठीक है, वो आपका एरियल सीडलिंग का पार्ट है। ठीक है, एरियल सीडलिंग की बात करते हैं तो एरियल सीडलिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था आपका। ठीक है, सो व्हाई इट वाज अ न्यूज़, सबसे पहले हम ये देखेंगे, द हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड एरियल सीडिंग अक्रॉस द स्टेट ऑन पायलट बेसिस। आपके जो हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी जो वन विभाग है, उन्होंने एरियल सीडलिंग को स्टार्ट कर दिया है पूरे के पूरे स्टेट में पायलट बेसिस पे। ठीक है, तो अब आप यहां से आपके जानने की वाली चीज़ें क्या है, एक है आपकी एरियल सीडिंग, दूसरा है पायलट बेसिस। एरियल सीडिंग को अभी हम देखेंगे यहां पर आपके, एंड पायलट बेसिस क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको आप ट्रायल बेसिस पे लेके आते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सिंपली आपका पायलट बेसिस कहलाता है। दिस टेक्निक विल अलाउ प्लांटेशन सेक्शंस ऑफ द अरावलीज दैट आर आइदर डिफिकल्ट टू एक्सेस और इनएक्सेसिबल टुगेदर। आपकी अरावलीज की बात हो रही है, ठीक है, आपकी अरावली हिल्स को मैं बता दूं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल्स आपकी मानी जाती है। ठीक है, बहुत ओल्ड हिल्स हैं जो आपको राजस्थान से लेकर हरियाणा तक के पोर्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर बेसिकली प्लांटेशन करने की बात की जा रही है। एंड ये प्लांटेशन क्यों आप एरियल मेथड से करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो आपकी बेसिकली अरावलीज है उसको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, यानी वहाँ पर पहुँच के अगर आप प्लांटेशन करना चाहेंगे, बिकॉज हिल का पार्ट है तो बहुत इनएक्सेसिबल एरिया हो जाता है। द पायलट प्रोजेक्ट विल हेल्प डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म। इससे क्या पता लग पाएगा, आपके जो भी टेक्निक है एरियल सीडिंग की, उसका इफेक्टिवनेस कितना है, कितना अच्छे से वो बेसिकली हम उससे प्लांट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, एंड जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है उसको बेसिक हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपका एरियल सीडिंग होता है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर है, इसकी जगह पर आपके ड्रोन्स भी होते हैं। वो ड्रोन्स क्या करते हैं, ऊपर से ही बहुत सारे इस तरीके के आपके सीडलिंग लाइन प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो ऊपर से गिराते हैं, वो जाके डायरेक्टली आपकी मिट्टी में जो भी आपकी सॉइल होती है उसमें एम्बेडेड हो जाता है, फिर वहाँ पर प्लांट ग्रो करता है। इसमें अगर दिखाऊं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लांटेशन वेयर इन सीड बॉल्स। ये टेक्निक है प्लांटेशन की। प्लांटेशन क्या होता है, छोटे छोटे जो आपके प्लांट्स होते हैं उसको सॉइल में उगाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक है आपके प्लांटेशन की, वेयर इन सीड बॉल्स, जहाँ पर सीड बॉल यानी सीड कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ क्ले कंपोस्ट चार एंड अदर कंपोनेंट्स। सीड बॉल क्या होगा, आपका जो बीज होगा उसको आपने कवर किया है किस चीज़ से, मिक्सचर से, चाहे आप क्ले की बात करिए, कंपोस्ट की बात करिए, चार की या बाकी कंपोनेंट्स की, उसके साथ में कवर कर दिया जाता है, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे स्प्रे किया जाता है एरियल डिवाइस की हेल्प से, या तो हेलीकॉप्टर या फिर आपके ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से इसको ग्राउंड पे स्प्रे किया जाता है, जैसे आप पानी स्प्रे करते हैं, इंक्लूडिंग प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन, या तो आप प्लेन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड पर यूज़ होते हैं, तो या तो आप प्लेन्स को यूज़ करते हैं, या तो आप हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं, या तो ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे मेथड को यूज़ करते हुए जब आप हवा से ही बेसिकली बीजों को क्या करते हैं, सीड्स को बेसिकली ग्राउंड में लगा देते हैं, दैट इज़ नोन एज एरियल सीडिंग। ठीक है, सो आई होप इसका कंटेक्स्ट क्लियर हो गया होगा कि आपकी एरियल सीडिंग होती क्या है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज दिस टेक्निक वर्क। ये जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज़ आपका सीड बॉल। ठीक है, इसी को हम लोग सीड बॉल बोलते हैं। यहाँ पर आपकी सॉइल देखने को मिल रही है, ये आपकी
सीडलिंग है, यहाँ पर बीज भी हो सकता है, छोटे छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एंड आपका लीफ शाउड है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, कवर करने के लिए होता है जिससे प्रोटेक्ट मिलता है, एंड ये बायोडिग्रेडेबल कंटेनर होता है, ठीक है। इस जो पॉइंटेड दिख रहा है इसकी वजह से ये जैसे ही आप ऊपर से गिराएंगे तो जाके सॉइल में इजीली एम्बेडेड हो जाएगा, सॉइल में इजीली आपका ये सो कर जाएगा, ठीक। एंड ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है तो ये पूरी तरीके से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बायोडिग्रेड कर देगा, एंड यहाँ से आपकी जो रूट्स हैं वो इजीली क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। ना ये टेक्निक आपकी काम कैसे करती है, पहले हम इसको देखते हैं हाउ दिस टेक्निक वर्क, ठीक है। इसमें देखेंगे सीड बॉल्स और सीड पैलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन अ टारगेटेड एरिया बाय द लो फ्लाइंग ड्रोन्स। आपके लो फ्लाइंग ड्रोन्स यानी बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होते हैं, लो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, वहाँ से सीड बॉल्स को या सीड पैलेट्स को, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको डिस्पर्स किया जाता है, गिराया जाता है उन एरियाज पे जहाँ पर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं। दे फॉल टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ कोटिंग ऑफ क्ले, ठीक है। उनके ऊपर क्ले की एक कोटिंग होती है, उसके साथ में वो बेसिकली कहाँ गिरते हैं, आपके ग्राउंड पे। दैट प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड वेट फॉर सीड्स टू ड्रॉप ऑन अ प्री डिटरमिंड लोकेशन रदर डिस्पेंस इन द विंड। अब बेसिकली क्या है, क्योंकि इनके साथ में आपने क्ले भी रखा हुआ है, ठीक है, कंपोस्ट है, चार भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिनकी वजह से थोड़े हैवी हो जाते हैं, है ना। जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, आपका जो ग्रेविटी बेसिकली इस पर एक्ट करेगी तो मास पे डिपेंड करेगी एंड एक्सीलरेशन पे, ठीक। तो मास जितना ज़्यादा होगा उतना हैवी होंगे ना, उतना इजीली जाके आपके सॉइल में ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सारे मटेरियल्स मिलाए जाते हैं ताकि आपके जहाँ पर जो भी लोकेशन आप चाहते हैं वहाँ पर गिरे, अदरवाइज अगर ये हल्के होंगे तो क्या होंगे, ये हवा में ही तैरते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टेक्निक का मेथड किस तरह काम करती है। दीज पैलेट्स विल देन स्प्राउट वेयर देयर इज इनफ रेन। अब बेसिकली क्या है, इनको आपने नीचे गिरा दिया, सॉइल में चले गए, जहाँ पर भी इनफ रेन होगी वहाँ पर ये स्प्राउट करेंगे, इनमें से बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाएंगे विद द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट विद इन देन हेल्पिंग इन द इनिशियल ग्रोथ, ठीक है। तो इनकी स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए, अब मान लीजिए जहाँ पर आपने इनको डाला हो वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिल पा रहा स्टार्टिंग फेज में, तो ग्रोथ तो नहीं हो पाएगा। बट होता क्या है, इनके साथ में कुछ इनिशियल ग्रोथ के लिए मटेरियल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं, ये जो बैग आपको दिख रहा था, ठीक है, इसके अंदर में ऑलरेडी होंगे, इसी के अंदर में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो इनिशियल ग्रोथ में इनकी हेल्प करते हैं। तो ये जैसे ही आपके पैलेट्स गिरेंगे, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से क्या होंगे, वो इनफ रेन होगी और न्यूट्रिएंट्स होगा तो इनिशियल ग्रोथ इनकी आसानी से हो जाएगी। ये बेसिकली टेक्निक है जिस तरीके से आपका जो एरियल सीडिंग है वो ग्रो करता है, जिस तरीके से आपकी टेक्निक हेल्प करती है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एरियल सीडिंग, अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेज, आपके एडवांटेज क्या होते हैं आपकी एरियल सीडिंग में। एरियाज दैट आर इनएक्सेसिबल, वो एरियाज जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हैं, हैव स्टीप स्लोप, जिनका स्लोप बहुत स्टीप रहता है, ऐसे पहाड़ होते हैं ना वो स्टीप स्लोप्स होते हैं, आर फ्रेगमेंटेड और डिसकनेक्टेड विथ नो फॉरेस्ट रूट। ऐसे एरियाज जो डिसकनेक्टेड होते हैं, मतलब जहाँ पर कोई फॉरेस्ट रूट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल प्लांटेशन मेथड होता है, यानी डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे जो एरियाज जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते पहाड़ वहाड़ के इलाके, वहाँ पर आप नॉर्मल प्लांटेशन तो कर नहीं सकते कि आपने जाके पेड़ पौधे लगा दिए, पॉसिबल नहीं है। तो उस कन्वेंशनल मेथड जहाँ पर नहीं हो पाता है वहाँ पर आप एरियल सीडिंग को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इज सच दैट इट रिक्वायर्स नो अटेंशन आफ्टर इट इज़ डिस्पर्ड। ये जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है या ग्रोथ होता है, ये ऐसा होता है कि एक बार आपने डिस्पर्स कर दिया, एक बार ये हवा से नीचे आके इस ज़मीन में चला गया, उसके बाद इसको किसी भी तरीके की केयर की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई टेंशन नहीं चाहिए होता है। द रीजन वाई सीड पैलेट्स आर नोन एज द फायर एंड फगेट वे ऑफ प्लांटेशन, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, फायर एंड फगेट वे ऑफ प्लांटेशन, यानी आपने ऊपर से ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से इनको फायर किया, ये सॉइल में आके एम्बेडेड हो गए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इन्हें फगेट करना पड़ता है, आपको इनको भूल जाना पड़ता है, ठीक है, दैट इज फायर एंड फगेट मेथड आप कह सकते हैं, ठीक। दे एलिमिनेट द नीड फॉर प्लगिंग एंड डिगिंग होल्स इन द सॉइल एंड द सीड्स डू नॉट नीड टू बी प्लांटेड। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप नॉर्मल मेथड में करेंगे तो पहले आपको प्लग सॉइल की गुड़ाई करनी पड़ती है ना, प्लग करना पड़ता है, फिर उसमें होल्स करने पड़ते हैं, फिर उस होल्स में आपको सीडलिंग्स प्लांट करनी पड़ती है, बट यहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोई भी जरूरत नहीं होती है, सिंस दे आर ऑलरेडी सराउंडेड बाय सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो अभी हमने देखा बेसिकली, लेट मी शो यू अगेन दैट, ठीक है, जो अभी हमने देखा है ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑलरेडी इनके साइड में सॉइल भी होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती है इनिशियल फेज के डेवलपमेंट के लिए वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसीलिए ये जो होते हैं बेसिकली ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ज़्यादा अगर आप देखेंगे इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। द क्ले शेल ऑफ दीज पैलेट्स अलॉन्ग विद अदर आइटम्स इन द मिक्सचर ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्ड्स एंड्स एंड रैट्स। अब जो ये शील्ड आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, लेट मी शो यू अगेन, ये जो शील्ड आपने
में देखिए, ये शील्ड ना सिर्फ इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी बल्कि इनको चूहों से, रैट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या जो चींटियां खा जाती हैं कई बार आपके सीड्स को, उन सारे मेथड से भी बेसिकली क्या करेगा, आपको ये बचा के रखेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी बिकॉज बहुत ही न्यूज़ में है अभी ये, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें किसी भी, आपकी एरियल सीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेसिकली किस तरीके से ये ड्रोन है, यही ड्रोन ऊपर जाके आपके सीडिंग्स को प्लांट करता है। ठीक है, यही आपके बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सीडिंग में हेल्प करेगा, अभी तो ग्राउंड पे है ये, जब हवा में जाएगा तो ये प्लांट करता है। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग, ये आपकी एरियल सीडिंग की टेक्निक हो गई, उसके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, कंटेक्स्ट हो गया क्यों न्यूज़ में था एंड व्हाट इज एयर सीडिंग, दैट फॉर्म्स द कंप्लीट मेन आंसर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ आपके हिंदू एनालिसिस में कि आपके लिए कंप्लीट आंसर ऐसा ही होता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहा है मेंस आंसर राइटिंग में व्हाट इज एरियल सीडलिंग, तो आपको पहले कंटेक्स्ट देना है कि वो न्यूज़ में क्यों है, देन उसकी डेफिनेशन देनी है किस तरीके से वो काम करता है, उसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट द एरियल सीडलिंग, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लग रहा है कोर्स तो प्लीज़ कोर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं मेरे से और जुड़ना तो आप मेरे को इन फॉलोइंग चैलेंज पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड आई एम एजुकेटर एट अन अकेडमी, आप वहां पर भी मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली आप डाउट भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी आपको सिर्फ वन वे बेसिकली कन्वेंस बेसिकली मिल रहा है कन्वे, वहां पर अगर आप चाहें तो लाइव अटेंड करके, दैट आर टोटली फ्री क्लासेस है। ठीक है, आप वहां पर अटेंड करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम कंपाइलिंग द क्लास, थैंक यू।